कहते हैं कि जब जिन्नात अपनी जिद या हमलों पर उतर आएं, तो किसी को भी आसपास टिकने नहीं देते। जैसे इस स्कूल के चौकीदार को, जो पिछले 23 सालों से यहां काम करने के साथ साथ इस जगह रात को सोते भी थे, लेकिन अब गेट के अंदर तक नहीं जाते। जी हाँ, पिछले 20 सालों से वीरान और बयाबान ये स्कूल, जहां से पहले तलबा और तालिबात भागे और फिर असाध्या ने भी इस जगह पढ़ाने से इनकार कर दिया, वो भी खौफ से, जिन्नात के खौफ से। वो क्या है? दोनों तरफ जंगल ही है, वो दीवार नजर तो आ रही है सामने, लेकिन लोग भी दिख रहे हैं। मुझे देखना जरा, हां ये देखना, दिखे बाहर है, भाई खड़े हैं। नहीं, दो भाई हैं, दो साहब, दो लोग। गेट है सामने, समझ गए, यही स्कूल है, ये अंदर भी नहीं जा रहे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत बाबा? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत? ठीक ठाक। गेट नहीं खोले बाबा, अंदर ना चले? सर अंदर हम नहीं जा, खुद नहीं जा सकते। क्यों नहीं सर? खौफनाक जगह है, अंदर नहीं जाएंगे क्या? जी सर, बाहर जो भी होगा बाहर होगा, अंदर नहीं जा सकते। हमारे साथ तो चले? नहीं सर, हम भी नहीं जा सकते। हम सोते तो जगा देते हैं, कोई नहीं जाता अंदर। कौन जगा देता है अंदर? खौफनाक जिन्नात हैं सब कुछ अंदर। कैसे जगा देते हैं? हम सोते हैं तो वो उठा देते हैं। क्या करके उठाते हैं? ऐसे करके हिला देते हैं हमारे। जा सकते ना आप? जा सकते, बाहर होगा जो कुछ होगा। ये हाँ, ये आवाज आ रही है, सुनिए। आप जा सकते, बाहर होगा जो कुछ होगा। ये हाँ, ये आवाज आ रही है, सुनिए। पापा मुझे वो जगह तो दिखाएं जहाँ आप सोते थे, जहाँ पर मामले हुए थे। स्कूल बंद, ये कब से बंद है? सर ये काफी टाइम से बंद है। कितना अर्सा हो गया? तकरीबन इसको 20 साल हो गए सर बंद होंगे। 20 साल से? जी जी, हमने बच्चे पढ़ाने छोड़ दिए अंदर। मैंने गाड़ी के अंदर आवाज सुनी है। ये कहाँ से आ रही है आवाज़ें? अंदर से, अंदर से आ रही है सर। अच्छा, बच्चे पढ़ाने छोड़ दिए, बच्चों की आवाज़ें? ये देख, यहाँ कोई पढ़ा नहीं सकते बच्चे, ना कुछ, अंदर कोई भी नहीं जा सकता। तो हुआ क्या ऐसा? 20 साल पहले तो चलता था ना? पहले तो चलता था, अभी इसमें असरात हो गई जिन्नात का। पहले शुरू में सोते थे, फिर लेकिन अभी असरात बढ़ गए। क्या पता बाबा, कोई वहम हो कोई। ये देखो आवाज आ रही सर, बच्चे नारे मार रहे हैं। जो भी मेहमान अगर आते हैं उनको सुलाते हैं, वो भी बेचारे भाग जाते हैं बाहर। लॉकडाउन में भाई अपना बंदे लाए थे यहाँ पे, लॉकडाउन में ठट्टा वगैरह के साइड के, वो आधी रात को भागे हैं, सामान छोड़ के भागे हैं। बेचारों को जगह तो चाहिए होती है ना, स्कूल है, मतलब बहुत से बंदों ने स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब खोल के दिए, लेकिन इस इलाके से समझो भाग गए हैं वो लोग, कई लोग। किसी साहब को लाए आप यहाँ पर, किसी बुजुर्ग को, बाबा को, आलिम साहब को, जिन्होंने कंफर्म किया? और सर वो आए हैं, उन्होंने देखा है खुद भाई, यहाँ जगह ही बहुत हमारे से बिल्कुल नहीं डाल सकते खतरे में आज। अच्छा जी सर, बुजुर्ग आए, कई इलम वाले आए हैं, बोले नहीं भाई हमसे नहीं होता है। हमारे साथ ही है। इधर आओ, कौन है? इधर आओ, ये देखो सामने यार, एक दरख्त है और कमरे हैं खाली, है बड़ा बहुत। कब आए थे साहब ये आलिम साहब, आमिल साहब, जो आप बता रहे हैं? आलिम साहब 2 महीने में हमने लाए थे सर, उन्होंने देखा था, पढ़ाई वढ़ाई की, बोलता हमसे दूर है भाई, ये मजबूत है, हमारी बस से बाहर, हमारी बस से बाहर है ये चीज, हम नहीं डाल सकते हाथ, उन्होंने जवाब दे दिया। तो बाबा आप 20 साल से हैं? जी जी जी, शुरू से ही हैं आप? शुरू से ही यहाँ से। कब से आप हैं आप? हमारी जैसी पैदाशी यहाँ हुई। और ये आपके सामने बना है? बिल्कुल हमारे सामने बना, शुरू में चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था। तो 20 साल पहले कुछ याद है, ऐसा हुआ क्या था जिसके बाद ये मसला शुरू हो गया? स्कूल के बच्चे बीमार हो गए थे, फिर उनके खौफनाक, उनको नींद में नजरें आईं,
फिर उन्होंने स्कूल बदली कर दी। मास्टरों ने जवाब दे दिया, बोला उधर पढ़ाएंगे। मैं देख रहा हूँ ये जंगल झाड़ियाँ, ठीक है, वो रास्ते से मैं आया हूँ, दिखाना भाइयों ये देखो, ये पीछे से हम आए यार, ये सामने जंगल, ठीक है जी जी। इधर समझ भाई पीछे देखे अपने जिराना सामने, तो ये इस जंगल में इतना बनाया तो कितना अर्सा चला ये स्कूल शुरू में? स्कूल 3 साल चला बस। 3 साल चला जी, 3 साल के बाद ये शुरू हो गया। मतलब अंदर वो है मखलूकात, तो उन्होंने बताया कि वो क्या चाहते हैं, इसका हल क्या है मसले का? नहीं, उनकी बोल अपनी जगह ही हमारी, बैठे का हमारी आस्थान है, खराब नहीं करो। जिन्नात का आस्थान बन गया, आस्थान है, सारा बन गया। तो अब वो किसी को नहीं आने देंगे? नहीं, किसी को, हम खुद नहीं जाते हैं। तो फिर वो जैसे वो इलाज के लिए साहब आए जी, उन्होंने कहा मेरे बस से बाहर है, बाहर है सर, तो उन्होंने क्या कहा, छोड़ दो बस इस जगह, छोड़ो इस जगह ही छोड़ दो, उनकी अपनी है। छोड़ दिया, कुछ नहीं हो सकता? नहीं सर, अब कोई भी नहीं जाता अब यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे अंदर देखो कोई भी नहीं जाता। पीछे जंगल है, ये रोड की जी दीवार है, इधर जंगल है उधर जंगल है, मैं समझ नहीं आ रही इस जंगल के बीच में बनाया क्यों? जंगल के बीच में स्कूल का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। नहीं ऐसा तो नहीं है, पहले अगर आबादी थी फिर ये मसले मसाइल हुए तो लोग आगे छोड़ छोड़ के जो है वो आगे निकल गए, लोग हट गए। ओके, याद है कमान भाई वो 2 कमरे स्कूल के? जी जी भाई, पहले आबादी करीब थी, फिर दूर चली गई, जिसको काटा था आपने, ताले को काटा था जिसको, ये एक बिल्डिंग है जी, वो 2 है, ये 3 है जी, 3-4 बिल्डिंग्स हैं जी जी। नहीं वॉशरूम का भाईजान पूरे पैर है, ये देख लें आगे चेक कर रहे हैं आप, वो कहाँ से उगा है और आ कहाँ रहा है इसकी एंट्री पे ताले लगे हुए हैं। चप्पलें क्यों इतनी? लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बच्चों की हैं। इतनी चप्पलें क्यों हैं यहाँ पे यार? वो देखो वो लेडीज चप्पल। हाँ लेडीज चप्पल है। ये ले। अच्छा पहले ये बनाया गया है पुराना, ये बंद है, इसका रास्ता कहाँ से है? जेली से तो नहीं इसका रास्ता। हाँ, और एक वो सामने कमरा बीच में से टूटा हुआ है। भैया एक मिनट, अंदर से कोई चीज निकली है बड़ी? कहाँ से? अंदर से, कमरे से। इस कमरे से? सामने वाले से कोई बड़ी सी चीज निकली है सजल भाई। रिकॉर्ड हुई है? शायद मेरे कैमरे में आई है। मैं कह रहा हूँ वो तो हमें वहां जाना पड़ेगा, इसको देखते हैं पहले। क्लासरूम। ये क्या है? हाँ का, ओए इतने बड़े साइज का, ये अंदर जाना चाह रहा है, ये अंदर जाना चाह रहा है, ओए ये अंदर जाना चाह रहा है इसी क्लास में, नोट करें। लाहौल लकूत अल्लाह। यार 3-4 बार वो उसी के अंदर जाना चाह रहा था, अंदर क्या है? क्लासरूम। बिस्मिल्लाह।
स्मेल। ये देखो छत भी गिरी हुई है इसकी दोनों साइडों से, कमजोर है समझ गिर ना जाए यार। इसकी इसकी मखदूश हालत की वजह से तो नहीं खाली कराया इसको? ऐसा तो नहीं कि मखदूश हालत की वजह से खाली करवा लिया हो और इतने अच्छे खाली रहते हुए फिर? एक मिनट यार, कुछ याद आ रहा है चिराग पर? एक मिनट इसको रिकॉर्ड कर दो। जाने कैसी उम्र में? ये देख लो भाई, ये देख लो पति मेरी आदमी है इससे, और ये कोई ऐसे करके ऐसे कैसे हो सकती है? नहीं वो देखो, वो भी ऐसी ही है। हाँ वो भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी उम्र है। देखें एक मिनट दो हो रही है, शाप बन गई है ये देखें। गार्डन इस कमरे में क्यों घुसना चाह रही थी? दरवाजा बंद था है भाई, दरवाजा बंद था फिर क्यों घुसना चाह रही थी इसमें? नहीं मुझे बताया ना, ऐसे कभी निशान देखे आपने हाथों में? कहते निशानियां होती हैं जी। ये आए भाई खाली होती एक बड़ी अलामत हुई नहीं चुंगा रही यहाँ पे जो भी हमने देखी। बात ये है, बात ये है, ये खिड़की बंद है, ये बंद है, ये बंद है, दरवाजा भी बंद है। वो चार बार इधर अंदर आने की कोशिश की है, उसे टकराई है वो दरवाजे से, और वो छोटी नहीं थी दरमियानी थी, तो मतलब वो क्यों आना चाह रही है अंदर जब बंद है तो? ओए ये क्या है? हाँ का ओए इतने बड़े साइज का, ये अंदर जाना चाह रहा है, ये अंदर जाना चाह रहा है, ये अंदर जाना चाह रहा है इसी क्लास में? नोट करें बाहर आ चुके हैं, बड़ा अच्छा देखना यार, बहुत बड़ा है वो, देखें गेट देखें कहाँ से हम आए हैं। ग्राउंड तो बड़ा है जी, सब बीच में दीवार करके इसको अलग किया है, एंट्री यहाँ से की है इसकी। चप्पल देख रहे हैं मतलब, मुझे लगता है बात। ओए हेलो हेलो, रिकॉर्ड हो रहे हैं? कैसे आ जा रहा है सज्जाद? एक पैर है, एक पैर में जा रहा है, एक पैर में आ रहा है। ये कैसे है और नंगे पांव इस ठंड में है? सही कह रहे हैं यार, सही कह रहे हैं। इधर आओ ओए, ओए इधर आओ, इधर आओ मैं चीज दिखाऊं। यार एक बात बताओ, ओए उल्टे पांव सुना है ना? उल्टे पांव सुना है ना? इधर आओ, इधर आओ, समझ इधर आओ, एक पाँव यू है और दूसरा पाँव यू है, हुई हुई ये नोट कर लो यार, बड़ा है आपको सुझा। रिकॉर्ड हो रहा है सच्चा? उसकी दोनों पैरों के दरमियान बीच में गोश नहीं है क्या? नोट कर लिया। हमारे जहनों में क्या है कि उल्टे पाँव पिछल पैर ऐसे होते हैं, अगर एक पाँव सीधा है और एक पाँव उल्टा है इनको क्या कहेंगे? उल्टे? ये भी नहीं कि ये एपिसोड नंबर 2 में हमने एक्सप्लोर किया था, याद है मुझे सोचा था ज़्यादा। हाँ हाथों के निशान थे, हाँ पैरों के निशान है सर। तस्वीर लग रही है स्कूल में, तस्वीर बुजुर्ग आए, कई इलम वाले आए हैं, बोले नहीं भाई हमसे नहीं होता ये। या वाल बोला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। आयत छोड़
ये चप्पलें कौन लेके आ गए हैं, डंप कर रहा है क्या? कुत्ता बिल्ली कोई जानवर नजर नहीं आ रहा। गंदगी है। मैं तो कोई पत्थर वत्थर नहीं पड़ा। नहीं सो बाबा ने कहा नहीं जाओ अंदर, ठीक है। हाथों के निशान वाकई नॉर्मल नहीं है, पैरों के निशान नॉर्मल नहीं है, जिनका लड़काना नॉर्मल नहीं है, आवाजें जो हमने रिकॉर्ड की नॉर्मल नहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता जो कह रहे थे पत्थर पड़ेंगे और नुकसान होगा। कहाँ सोते थे ये? बाबा से पूछो बिल्कुल। कामरान भाई लेकिन बाबा अंदर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बाबा दिखा देंगे मुझे जगह, वो कहाँ पर आप सोते थे, चारपाई जो मसला होता था आपका? सर हम अंदर नहीं जा सकते ना, खौफनाक जगह है। हाँ ठीक है, मैं भी तो अंदर से होके आया हूँ ना आपके सामने, मैंने देखने की कोशिश की है, मुझे कोई वो समझ नहीं आई जगह कि आप सोते कहाँ थे ना, क्या होता था, बस मुझे दिखा दें, दूर से दिखा दें कि यहाँ सोते थे आप। हम अभी पहले होके आए ना अंदर से, करें मैं शुक्र है बाबा, बस दिखा दें दूर से, मेहरबानी। हाँ थर्मल शराब भी ऑन कर लें। कहाँ बाबा? वो सामने सोते, वो कमरे में? जी जी सामने वही है जहाँ चमगादड़ वाला सीन था, वो हाथ वाला, हाथों के निशान भी वही थे। ठीक है, ये सामने इसके अंदर जी। अच्छा इधर ट्रेन में सोते थे। अच्छा यहाँ चारपाई? जी जी। क्या होता था? यहाँ आवाज़ें आती थी रात को सोने वक्त, फिर हिलाकर उठ गया करे सर। कुछ जानवर वानवर तो नहीं आ जाते थे, बिल्ली वगैरह? नहीं कुछ जानवर नहीं। ये खिड़की बंद नहीं की थी, इसको खोली नहीं थी शिराज भाई ने सामने वाली? हाँ खोली थी लेकिन शायद मैंने बंद की थी, इसको कर दी थी बंद। हाँ मैंने की थी बंद, आवाज आई है लकड़ी की। कौन है? कौन है? बाबा दरवाजा ये वाला बंद हुआ था, ये वाला अच्छा अब नहीं हो सकता, हवा से भी नहीं हो सकता अब। चलो इन्होंने फिक्स कर दिया जी इसको भी उसको भी, अगर हवा से हो तो हो ही ना सके। आप बता रहे हैं दरख्त में देखा आप? यहाँ सामने? जी सामने। क्या देखा यहाँ? क्या हुआ लाहौर वाला? कब इसकी तो मैंने कुंडी लगाई थी, मैंने कुंडी खोली थी, मैंने कुंडी लगाई थी। कब? जब वहां से पहले गए थे जो आपने मुझे कहा था खोलू, तो मैंने कुंडी खोली थी और उसको खोला था, फिर मैंने कुंडी को ठहरा के बंद किया। अभी अभी बाबा ने बंद किया ना? मैंने बंद किया।
रात्रि बनती है। यार इधर कौन आ गया, इधर आओ। अभी बाबा इस तरह बंद किया है कि हवा से भी ना खुल सके, ऐसे ही बाबा जी मैंने अभी बंद किया। हम सारे बाहर थे, सारे सारे बाहर थे, ऑन रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड देखो उसको। अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने बाबा ने इसको भी टाइट करके जैम किया यहाँ पर, इसको भी जैम मिला कि ताकि हवा से निकल सके। हम बाहर थे, पीछे कौन था सबसे? मैं था कहाँ खड़े थे आप? मैं इनके लिए आप यहाँ थे? यहाँ सामने जी, सामने क्या देखा? यहाँ क्या हुआ? मुझे दिखाएं पांव के निशान कैसे आए जब कोई आया नहीं है यहाँ पर। तो चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो इधर आ जाओ। क्या हुआ? चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो इधर आ जाओ। क्या हुआ? यही तो पत्थर शत्थर मारते थे रात के टाइम पे, भाई इसने आपको पकड़ के। ओए भाई, बाबा ने पीछे किया, पत्थर आया, ये क्या छत गिरी है क्या? अभी तो होके आए हम वहां से, हमने पैरों के निशान देखे अंदर तक। खौफनाक जगह है भाई, वहां रहते ही यहाँ है वो, ये देखो रहते ही यहाँ है वो, ये देखो। तो बाबा ये जो निशान मिले हैं जी जी, मतलब यार एक जा रहा है, एक आ रहा है, तौबा है। कोई बात। बाबा ये जो निशान मिले हैं जी जी, मतलब यार एक जा रहा है, एक आ रहा है, तौबा है। कोई बात। ठीक है, रिकॉर्ड होगा। छत पे कोई है? कमान रुक जा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब नहीं दे रहे। यार ये तो हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ही हो रहे हैं जब से। मैं वही ना आपको बता रहा हूँ, पूरी बिल्डिंग को घेरा हुआ। नहीं, ज्यादातर आपके साथ दो चार लोग आप बता रहे हो जी, तो ज्यादातर आपके साथ ही होते थे या अकेले? नहीं, वो चले जाते थे ना मेहमान के साथ, मैं ठहरता था, भाई अकेला मेहमान है, चलो गपशप लगाया, आराम किया। उसको दो आदमी को घेरा हुआ था, वो आने नहीं देते नजदीक। तो मेहमानों ने कुछ शिकायत की? उन्होंने क्या देखा? एक नहीं है, एक नहीं है सर। भाई ये अभी आ ही रहा था कि दूसरा भी लगा, कोई एक नहीं है। ये तो किसी ने कोई नेकी काम आ गई, रुक गया सर आते हुए। पत्थर आग की तरह हो रहा है, किसी मखलूक ने हाथ लगाया। ब्रेचर देखो इसका, हाँ भाई ये रिकॉर्ड करें। और पत्थर पड़े हुए नीले नीले है ना, ये देखा, ये देखे, ये देखे, ये पत्थर है, ये नीले, ये पत्थर है, ये इसमें दिख रहा है, ये पत्थर है, इसको देखेंगे आग हुआ, ये देखेंगे आग हुआ। ऐसा लगा भट्टी से निकल के आया। ये सही कह रहे हैं, एक किसी भी दिशा में लगे तो अंदर ही घुस गया। ये तो रुक गया है यहाँ, ये पत्थर पड़ा हुआ बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ। एक मिनट शिराज भाई, समझ भाई, ये पत्थर रिकॉर्ड करें कामरान भाई आप भी। समझ भाई, कामरान भाई ये पत्थर भी आप रिकॉर्ड करें।
अब सिराज भाई आप रिकॉर्ड करें इसको। हाँ, ये लाल है ना, ये इतना सुर्ख क्यों है, मतलब तपा हुआ गर्म क्यों है ये? इसमें से सोचा हीट निकल रही है। और पत्थरों को रिकॉर्ड करें, इधर आए, नीले आ रहे हैं, इनका टेम्परेचर ठंडा आ रहा है। अभी जो पत्थर आया है ना, वो ऐसा है जैसे आग का गोला है, ये शोला, ये देखना, इसमें रिकॉर्ड करो, समझ रहे, ये देखो कैसा चमक रहा है यार, ये देख रहे हो कैसा आ रही है, टच करूं इसको? नहीं 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 नहीं, खारा लग रहा है भाई, यही अभी तक लाल है यार। सर भागो, आ रही है सामने, आ रही है, मेरी दिल को पकड़ा हुआ है सर, आ जाओ मेरे। कौन आ रही है, कौन आ रही है? अरे भाई, दिल को पकड़ा हुआ? हां बिल्कुल, क्या हुआ है? दिल को धड़कन आ रही है भाई, चलो बाहर बाहर चलो, अच्छा 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 बाहर चलो। ये सीने को दर्द हो रहा है क्या? हाँ, हाँ, दर्द। क्या महसूस हो रहा है? महसूस घबराहट हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ। क्या हो गया बाबा? बाबा दिल को पकड़ा, घबराहट हो रही है। क्या देख लिया? अंदर जो कुछ हुआ हमारे साथ हुआ है वो नजर आई, जिन्हात है बंदर की तरह, फिर कुत्ते की तरह। कहाँ देखा? अंदर अंदर कमरे से आ रही थी बाहर। बाबा ये आंख दिखाए, दोनों आंखें दिखाए एक साथ। यार ये तो एक आई बॉल, यार ये तो आई बॉल सफेद हुआ हुआ है पूरा। बिल्कुल बाबा, एक जगह रुके। नूर जिसे कहते हैं वो सफेद है। पहले 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 नहीं। जो आंख का मोतिया होता है वो साइडों पे होता है ना, ये पूरा होता है, नूर भी सफेद हो जाता है। इतना पता नहीं मुझे यार, पूरी पूरी आंख पे आता है वो वाइट। नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ना अभी बाबा, अब अभी सही महसूस हो रहा है? अभी दिल घबराहट हो रहा था, दिल मेरी धड़कन हो रही थी, उनको देख के खौफनाक हो गया, खौफ हो गया। वो आ रही थी हमारे पास, आ रही थी। पत्थर ऑन रिकॉर्ड है आपके पास, उसी वक्त आया है पत्थर। मैंने गाड़ी के अंदर आवाज सुनी है। ओए ये क्या है? हाँ का, ओए इतने बड़े साइज का, ये अंदर जाना चाह रहा है, ये अंदर जाना चाह रहा है, ओए ये अंदर जाना चाह रहा है इसी क्लास में। लोड करें, यहाँ सामने जी सामने क्या देखा? यहाँ क्या हुआ? लाहौर वाला कुवत इल्ला बिल्लाह, रहते यहाँ है वो। ये देखो आपका रास्ता है, नहीं छत के रास्ते। सुनो तो मेहमानों ने कुछ शिकायत की, उन्होंने क्या देखा? एक नहीं है पत्थर आग की तरह हो रहा है, किसी मखलूक ने हाथ लगाया। सर भागो, आ रही है सामने, आ रही है, मेरी दिल को पकड़ा हुआ है सर, आ जाओ मेरे। कौन आ रही है, कौन आ रही है? क्या वाकई वो मखलूक सिर्फ बाबा के सामने जाहिर हो रही थी, उन्हीं पर हमला आवर हो रही थी? इसकी वजह तो यही लगती है कि जानबूझकर तो नहीं, लेकिन शायद अनजाने में बाबा से कोई गलती सरजद हुई है। दोबारा देखिए, गौर कीजिए और खुद समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या है।